छात्रों के गुटों के बीच हुई चाकूबाजी मामले में 6 आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। तो आइए खबर जानते हैं विस्तार से। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में 2 छात्र गुटों के बीच चाकूबाजी मामले में शामिल 6 आरोपी छात्रों को पकड़ लिया गया है। इस संबंध में डीसीपी जॉय तिर्की ने जानकारी दी है। डीसीपी जॉय तिर्की ने बताया कि 20 तारीख को लगभग 3:10 पर राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय नेहरू विहार के छात्रों और राजकीय बालक माध्यमिक विद्यालय तुर्की तुक्रिमपुर करावर नगर जीबीएसएस स्कूल के छात्रों के बीच झगड़े की एक घटना पुलिस स्टेशन दयालपुर को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। जीबीएसएस स्कूल तुकमिरपुर करावल नगर के 5 छात्रों को चाकू लगने से उन्हें जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई। पूछताछ के दौरान एक आरोपी छात्र ने खुलासा किया कि 3 दिन पहले जब वह दयालपुर बस स्टैंड के पास अपने मोटरसाइकिल पर चला रहा था, तब कुछ स्कूली छात्रों ने उसे रोका था। उन्होंने उससे उसके स्कूल के बारे में पूछा और कारण पूछा कि वह उनके स्कूल के पास मोटरसाइकिल क्यों चला रहा था। जब उसने विरोध किया तो उन्होंने उसे पीटा। इसके अलावा उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया था और उन सभी ने बदला लेने की योजना बनाई और दोपहर में दूसरे स्कूल के छात्रों पर हमला किया। डीसीपी ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व इस पूरे प्रकरण को लेकर सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ये साफ करती है कि इस मामले में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है। डीसीपी ने कहा कि आगे की जांच की जा रही है। वहीं घायल छात्रों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोएडा में 7 साल के मासूम से दुष्कर्म मामले में युवक को आजीवन कारावास। 7 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में जिला अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला 2021 का है, जहां लड़की को अकेला पाकर उसने दुष्कर्म किया था। 7 वर्षीय मासूम से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र विशेष न्यायाधीश चंद्रमोहन श्रीवास्तव जी ने आरोपी जिला बदायूं निवासी लालू यादव को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वही पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। अभियोजन अधिकारी जेपी भाटी ने बताया कि सूरजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत 9 जुलाई 2021 को नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने प्लॉट पर लेंडर डलवा रहा था। उसी दौरान प्लॉट पर काम करने वाले मजदूर लालू यादव ने उसकी 7 वर्षीय नाबालिग बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और फ्लैट के सामने मकान की छत पर ले जाकर दुष्कर्म किया। बच्ची रोते हुए परिजनों के पास आई और उसने पूरी घटना के बारे में बताया। आसपास के लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। सभी ने वहां से भाग रहे लालू यादव को पकड़ लिया और पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया। 7 लोगों ने दी गवाही। परिजनों की शिकायत के आधार पर सूरजपुर पुलिस ने दुष्कर्म SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामला दर्ज किया और बच्ची का मेडिकल कराया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और मामले की चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की। जिला न्यायालय में मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह सुनने के बाद मामले में पेश किए गए 7 गवाहों की गवाही और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी लालू यादव को दोषी करार दिया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मानकापुर चौक पर भीषण दुर्घटना, ट्रक के नीचे आने से पति की मौत, पत्नी घायल। ये खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। नागपुर शहर के मानकापुर चौक पर भीषण दुर्घटना हुई है, जहां 2 पहिया से जा रहे एक बुजुर्ग दंपत्ति ट्रक के नीचे आ गए। इस हादसे में बुजुर्ग पति की मौत हो गई, वही पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान विठल राव बर्दे, वह 75 वर्ष बाबा फरीद नगर निवासी के रूप में हो गई है। यह हादसा दोपहर 3 से 3:15 के बीच में हुआ।
मिली जानकारी के अनुसार दंपत्ति अपने दो पहिया से घर जा रहा था। मानकापुर चौक पर खड़े हुए जैसे ही सिग्नल हरा हुआ भुजंग विठल राव ने तेजी से अपने वाहन को निकाला। इसी दौरान संतुलन खोने के कारण बाजू से चल रहे ट्रक क्रमांक MH40BG6983 के नीचे आ गए। इस हादसे में ट्रक बुजुर्ग चक्के के नीचे आ गया। इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पत्नी बच गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और आगे की जांच कर रही है। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए महाराष्ट्र न्यूज सर्विस। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।